हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज बनाएंगे हम पूरी और काबली चने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमने आलू काट रखा है और प्याज काट रखा है, टमाटर काट रखा है और ये हमने पतीला चढ़ा दिया है। और दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे ये वाइट चने हैं, यानी काबली चना। काबली चने बनाएंगे हम बढ़िया ग्रेवी वाला। और ये हमने पतीले में तेल डाल, थोड़ा तेल और डाल देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और ये हमारा हमारा गरम हो चुका है, इसमें हमने प्याज ऐड किया और प्याज को अच्छे से भून देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और प्याज हमारा भुन रहा है, आप देख सकते हैं। और ठीक इसी के सामने पे यहाँ पे पूरी बनेंगी। और ये यहाँ पे पूरी बेली जा रही है भारती के द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी गांव की महिलाएं अच्छे तरीके से पूरी बेलने का काम कर रही है। तो चलो दोस्तों, पूरी बनाना भी स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मंत्र किया जा रहा है जिससे कि तेल कम ना हो, हमारे पहाड़ों में ये रिवाज है। तो हम धीरे धीरे करके पूरी को ऐड करते रहेंगे तेल में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कैसी पूरी बननी है, बिल्कुल एक नंबर की। देखो दोस्तों कितनी प्यारी पूरी बन रही है, आप देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे तरीके से ब्राउन हो रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें हमने ऐड किया टमाटो, और टमाटर को भी अच्छे से भून देंगे। तो टमाटर हमारा अच्छे से गल रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे दोस्तों हम नमक। नमक को हम थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालेंगे जिससे कि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए। तो टमाटर आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमारी पूरी भी बनी बनी रही है। वहाँ पे जो हमने वो कन्ना रखा है तो वो पूरा कन्ना हमें बोरियों से फुल बनाना है। और ग्रेवी हमारी तैयार है, इसमें हमने ऐड किया किचन किंग और ये चना मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अच्छे से इसको भून देंगे। और एक और डाला। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स मसाले। इसमें हमारे और सारे मसाले और खड़े मसाले का पाउडर बना के तैयार कर रखा है, तो इसको हम डालेंगे इसमें दोस्तों। थोड़ा और डालेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे, और ये हमारा मसाला भी फिट हो गया है। और इसको भी अच्छे से भून देंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमारी पूरी काफ़ी बन गई है, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पूरी यहाँ पे बनाई जा रही है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पूरी बेलने का काम कर रही है। और इसमें हमने ऐड किया और कटा हुआ बारीक आलू, और ये बन रहा है हमारा काबली चना प्लस आलू। तो ये हमने आलू ऐड किया और इसको भी अच्छे से भून देंगे ग्रेवी के साथ। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम काबली चने जो हमने पहले से भिगो के रखे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इनको भी अच्छे से भूनेंगे, तो दोस्तों कैसी लग रही है हमारी रेसिपी। तो दोस्तों आप प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें भी थोड़ा नमक हम और डालेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के द्वारा अच्छे से पूरी का काम किया जा रहा है, और कितनी बढ़िया तरीके से बिल्कुल फूली हुई पूरी
बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये हमारा काबली चना तैयार हो गया है, अब इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट से ज़रूर करना।